सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, अब आपको मार्च महीने की और मार्च क्वार्टर की GSTR 3B जो है उसकी फाइलिंग करनी है, जिसकी ड्यू डेट है 20 तारीख। अगर आप मंथली फाइलर हैं, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं, तो आपको 22 अप्रैल और 24 अप्रैल से पहले जो है आपको GSTR 3B का फाइल करके रिटर्न टैक्स का पेमेंट करना है। अब इस बार जो आपको चीजें ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा मार्च 21 की जो GSTR 3B की क्वार्टरली रिटर्न जा रही है उसके अंदर, क्योंकि जो QRMP स्कीम में थे उनके लिए जनवरी और फरवरी महीने में रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं दी गई थी, बल्कि आपको सेल्फ असेसमेंट या फिक्सम मेथड पे एक सेल्फ असेस्ड अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो जमा करना था 25 तारीख तक, जो कि अगर आपने नहीं किया है तो अब आपको विथ इंटरेस्ट जमा करना होगा। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जीएसटी की न्यू रिटर्न फाइल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा जीएसटी न्यू रिटर्न फाइलिंग कोर्स जो कि लॉन्च हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पे, उसको परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स्ड सम मेथड, यानी कि अगर आपने फिक्स्ड सम मेथड ले लिया था तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा, और अगर आप सेल्फ असेसमेंट में थे तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। क्या है वो प्रोसेस वो समझिए। नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय वे ऑफ डिपॉजिटिंग ऑटो कैलकुलेटेड फिक्सम मेथड एज डिटेल्ड इन पैरा 6.1A बाय द ड्यू डेट। क्या है पैरा 6.1A में, मैं आपको एकदम सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट सपोज आपका जनवरी महीने का जो आपका टैक्स लाइबिलिटी है वो बनता है 1000 रुपए का, और आप चले गए हैं फिक्सम मेथड में। तो फिक्सम मेथड के अंदर क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी होगी वो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिक्सम मेथड में पिछले क्वार्टर के अंदर या पिछले क्वार्टर का लास्ट मंथ जो है उसके बेसिस पे अमाउंट डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अक्टूबर से लेकर दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो आपने टैक्स जमा किया था, या फिर दिसंबर महीने के अंदर आपने टैक्स जमा किया था 500 रुपए, तो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो जनवरी महीने में 1000 रुपए भी बन रहा है, लेकिन अगर आप फिक्स सम में चले गए तो नियम ये कहता है कि फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के लिए फॉर दिस स्कीम आपको दिसंबर की 100% लाइबिलिटी जमा करनी है। तो आपका जनवरी में एक्चुअल बना 1000 रुपए, लेकिन चूंकि आप चले गए किसमें, फिक्सम मेथड में, इसीलिए दिसंबर 20 का जो पीरियड है वो बेस पीरियड हो जाएगा और आपको टैक्स जमा करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए ही जमा करना होगा, और 1000 रुपए की लाइबिलिटी आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बैलेंस का 500 रुपीज है इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि आप फिक्सम में गए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 500 रुपए का पेमेंट है ये आपको 25 फरवरी तक कर देना था। अगर आप इस ड्यू डेट को मिस कर गए, लेट सपोज आपने 25 फरवरी को ना करके 28 फरवरी 2021 को किया है, तो फिर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना होगा। कहने का मतलब है कि ड्यू डेट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अमाउंट आप भले ही कम पे कीजिए ड्यू टू फिक्सम, लेकिन आपको टाइम जो है वो मेंटेन करके चलना होगा, वो चीज यहां पर बताई गई। इफ वाइल फर्निशिंग फॉर्म 3B इट इज फाउंड दैट इन एनी ऑफ द बोथ फर्स्ट 2 months, यानी कि जनवरी और फरवरी के लिए अगर आपको ये मिल जाता है कि द टैक्स लाइबिलिटी नेट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट ऑन द सप्लाईज मेड और रिसीव्ड वाज हायर देन द अमाउंट पेड इन चलान, देन नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज। अमाउंट भले ही ज्यादा हो, अगर वो ड्यू डेट तक पे हो गया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
ड्यू डेट अगर आपने पार कर दी होगी तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना होगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आता है फिक्स सम के अलावा सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आप चले जाएं। सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट मेथड में होगा ये कि आपको अपना सेल और आपको अपना एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटरमाइन करना है। लेट सपोज आपने सेल पे डिटरमाइन किया 1000 रुपए की लाइबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला 200 रुपए का, नेट लाइबिलिटी आपकी बनी 800 रुपए। अब चूंकि गवर्नमेंट ये कहती है फिक्स सम हमने ऑप्शन दिया, आपका 1000 रुपए बनता है, आप 500 रुपए जमा करो ड्यू डेट से पहले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फिक्स सम में नहीं जाते हैं, आप अपनी मर्जी से अपना कैलकुलेशन करेंगे, तो गवर्नमेंट ये कहती है जो एक्चुअल अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको एज इट इज जमा करना होगा, वो भी ड्यू डेट से पहले। तो दूसरे सिचुएशन में जब आपकी लाइबिलिटी 800 बनती है और लेट सपोज आपने 600 रुपए जमा किया है और वो भी ड्यू डेट से पहले, तब भी आपको 200 रुपए पे इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फिक्स सम और सेल्फ असेसमेंट में, कि फिक्स सम के अंदर ड्यू डेट से पहले हो जाने पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अमाउंट अगर शॉर्टफॉल भी है और वो आपने 3B की क्वार्टरली रिटर्न से पे ऑफ कर दिया है। लेकिन सेल्फ असेसमेंट में एक्चुअल लायबिलिटी से शॉर्टफॉल होते ही आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा, चाहे आप ड्यू डेट के पहले कीजिए या फिर आप ड्यू डेट के बाद कीजिए, उससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर आप देखेंगे इन सच केस पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग द सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट इन पीएमटी 06 इज नॉट डन बाय द ड्यू डेट, इंटरेस्ट वुड बी पेएबल एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम जीएसटी पीएमटी 06 टिल द डेट ऑफ मेकिंग सच पेमेंट। ये फिक्स सम के अंदर अगर आप ड्यू डेट तक नहीं करते हैं तो क्या रिपरकेशन होंगे। इसके बाद इसमें बताया गया है इन केस 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट, अगर जीएसटीआर 3B की रिटर्न बियॉन्ड ड्यू डेट आप फाइल करेंगे तो भी आपको इंटरेस्ट जो है सेक्शन 50 के आधार पे पेमेंट करना होगा फॉर द नेट लायबिलिटी आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहां पे जो चीज यहां बताई गई है कि सेल्फ असेसमेंट के केस में अगर आप जाते हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 फॉर द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड बियॉन्ड द ड्यू डेट। जो भी अमाउंट ड्यू डेट के बाद रह गया है पेंडिंग, हमारे सिचुएशन में 200 रुपए, उस पूरे पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। और ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आपको जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले मैन्युअली डालते हुए करना होगा, पोर्टल अपने आप कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और हमारा जो कोर्सेज है उसके अंदर प्रैक्टिकली आपको बताया गया है 3B कैसे फाइल करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप उस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा और कौन से डेट से किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।